सब्सक्राइब कीजिए टेक ऑनलाइन जॉब यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है दसवीं और बारहवीं के छात्रों के लिए। दसवीं और बारहवीं के छात्रों के बचे हुए एग्जाम नहीं होंगे, इससे जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल कर आई है जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बने रहे इस वीडियो में अंत तक और वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सभी बोर्ड से जुड़ी हुई बड़ी खबर है जिनका पहले से जनरल प्रमोशन हो चुका है, वो भी अच्छी बात है। और मैं आपको इस वीडियो में बता देना चाहता हूँ कि इस बार आपको जनरल प्रमोशन मिल जाएगा। जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही होगा कि 17 मई तक पूरा देश लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया था हमारे देश के प्रधानमंत्री के द्वारा। और अभी एक बड़ी खबर निकल कर आई है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने है जो कुछ निर्णय लिया है लॉकडाउन को आगे बढ़ाने का। और आपका है जो 20 तारीख तक आगे अगले मंथ के जो लॉकडाउन बढ़ा दिया जा सकता है। और लॉकडाउन को बढ़ाने के लिए 4 तरीकों का प्रयोग किया जाएगा यहाँ पे, जो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ कि आप घबराए मत, आपके लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया जाएगा। जैसा कि आप लोगों को पता है जो बीमारी फैल रही है ये काफ़ी हद तक फैल चुकी है इंडिया में, जिसके कारण लॉकडाउन आगे से आगे बढ़ाया जा रहा है। और आपकी परीक्षा नहीं होगी, आपकी बची हुई परीक्षा नहीं होगी। और आप लोगों को पता ही होगा काफ़ी बोर्ड ने पहले से इस पर अपडेट दे दिया था कि हम अपने छात्रों की बची हुई परीक्षा नहीं लेंगे। तो अब भी आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि अगले मंथ की 20 जून तक आपका देश लॉकडाउन हो सकता है। देश तो लॉकडाउन होगा तो जिसके कारण आपका 4 तरीके से पूरे देश को लॉकडाउन कर दिया जाएगा। जैसे कि जिन राज्यों में बिल्कुल कम केस हैं उनको ग्रीन जोन के नाम से माना जाएगा, और जिसमें थोड़े से केस ज़्यादा है उसको ऑरेंज जोन के नाम दिया जाएगा, और जिसमें बिल्कुल ही कम है मतलब कि ना के मात्र है उसको येलो जोन के नाम से बताया जाएगा, और जिसमें केस ज़्यादा है उसको रेड जोन के नाम से एरिए बनाए जाएंगे। तो ये एक नया आने वाला इस अपडेट जिसके तहत आप लोगों को घबराना नहीं है। और इसके ऊपर 6 घंटे तक मीटिंग हुई है, मीटिंग के बाद ये फैसला हुआ अभी आपके जून तक एग्ज़ाम नहीं होंगे और उसके बाद आपको आराम से प्रमोशन मिल सकता है। और आप कौन से बोर्ड से कमेंट कर दीजिए। और आपको पता ही होगा महाराष्ट्र बोर्ड, एमपी बोर्ड, काफ़ी बोर्ड हैं जिनके मैं नाम नहीं लेना चाहता अभी इस वीडियो में। उन्होंने सभी ने, आप चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं, उन्होंने पहले से ही प्रमोशन कर दिया है 9वीं और 11वीं के छात्रों की तरह। फिलहाल आपको ये वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।